हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन सीखने वाले हैं जो कि हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट कपड़े में पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कपड़े में पट्टी कट की है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। और ये देखिए, ये हमारा बैक साइड है, मतलब ये हमारा रॉन्ग साइड है कपड़े का, और ये हमारा कपड़ा सीधा, हमारे कपड़े की सीधी साइड है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे बीच में से, और यहाँ पर करीब 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए हम यहाँ पर सिला लगाएंगे। ये देखिए, करीब 1/2 इंच हमारा इतना होता है, तो हम 2 सूट ज़्यादा लेकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसी तरह से, क्योंकि इससे हमें डोरी बनानी है और हम थोड़ी चौड़ी डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखते हुए सिल लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर सुई ले लेंगे और यहाँ पर हमने 4 परत करके धागा डाला हुआ है। इसको हम इस तरह से यहाँ पर स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमने गांठ लगाई हुई है और इस तरह से इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पर हमारी एक गांठ लग जाएगी। अब इस पूरे धागे को हमें इस तरह से अपने पूरी डोरी के अंदर से इस तरह से निकालना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पूरी डोरी में से अपना धागा निकाल लिया है। अब इस तरह से अपनी मशीन के ऊपर इस तरह से इसको घुमा के लगा दीजिए और इस तरह से अब नीचे से आपको ये कपड़ा इस तरह से खींचना है, जिससे कि आपकी ये पूरी पट्टी आराम से सीधी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपको खींचते हुए इसको पूरा सीधा कर लेना है और यहाँ पर आपकी डोरी इस तरह से सीधी होती हुई आ जाएगी। ये देखिए, मैंने पूरी पट्टी को सीधा कर लिया है और इसको हमने प्रेस कर लिया है। इसी तरह से मैंने एक अलग कलर की पट्टी भी तैयार की है और इसको भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब इससे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसे कैसे तैयार करना है अपनी डोरी को। ये देखिए, इस तरह से पहले आप इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी रहे। अब इस पट्टी को अपनी तरफ घुमाइए इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम, और इस तरह से अब इसके ऊपर आपको घुमाना है। ये देखिए, यहाँ पर आपकी एक तिकोनी शेप बन जाएगी और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से नीचे से पट्टी को घुमाइए और ऊपर से इस तरह से इसके ऊपर एक तिकोनी शेप बनाइए। ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे से इस तरह से अपनी तरफ घुमाइए और उसके बाद इसी के ऊपर इस तरह से पट्टी के ऊपर घुमाइए और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर आपको एकदम शार्प नुकीली शेप बनानी है, जिससे कि आपका डिज़ाइन अच्छा बने। अब इसी तरह से नीचे से आपको पट्टी घुमानी है, उसके बाद ऊपर से पट्टी घुमाइए और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। पूरी पट्टी पे आपको बिल्कुल बीचों बीच में सिलाई लगाते हुए अपना डिज़ाइन बना लेना है और इसी तरह से हम अपना पूरा डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से, और हम दूसरी पट्टी पे भी इसी तरह से हम अपना डिज़ाइन बना लेंगे तिकोना शेप बनाते हुए। ये देखिए, मैंने अपनी दोनों पट्टियाँ इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब इसको हम अपने नेक पर लगाएंगे।
तो देखिए, सबसे पहले हम अपना नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक की कटिंग कर ली है बुकरम पर, और इसको मैंने अपने कमीज़ के कपड़े पर लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको मैंने एक साइड से फोल्ड कर दिया है, और अब हम इसको अपने कमीज़ के कपड़े पर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी कमीज़ का कपड़ा है, और इस तरह से इसको आप पहले बीच में से फोल्ड कीजिए इस तरह से, और इस तरह से आप एकदम बराबर करते हुए इसे फोल्ड कीजिए। अब हम अपनी कमीज़ का सेंटर करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड वाली साइड के तरफ हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगा लेंगे। अब इसको खोल लीजिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इन निशानों को मिला लीजिए। इस तरह से हम अपनी कमीज़ का सेंटर कर लेंगे। ये हमारी कमीज़ का सीधा साइड है, और इसी तरफ हमें अपना नेक रखना है। सीधे साइड की तरफ हमें अपना नेक रखना है, और इस तरह से हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे। और यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए, और कट्स आपके इतने ही हों कि आपकी सिलाई। अब इसको हम इस तरह से उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरफ हम बिल्कुल यहाँ पर हमें बड़े टाके की सिलाई लगानी, तो यहाँ पर हम बड़े टाके की सिलाई लगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपना नेक इस तरह से बना लिया है। अब इसमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, डिज़ाइन यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो आपको कितना लंबा डिज़ाइन बनाना है आप इस तरह से नाप लीजिए। तो यहाँ पर मैं करीब 8.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, मुझे अपना डिज़ाइन यहाँ तक चाहिए। अपने नेक वाले लेंथ के बाद मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग लंबा या छोटा कर सकते हैं। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इधर से येलो पट्टी ले लेंगे, और इस तरह से इसके ऊपर हमें रखनी है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे इधर से, और इस तरह से इसको रखना है आपको। और यहाँ पर हमें अपने नेक की शेप में ही इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे नेक का सेंटर पार्ट है, तो आपको सिलाई केवल सेंटर पार्ट तक ही लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अब इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड से हम अपनी दूसरी कलर वाली पट्टी लगाएंगे, और इसी तरह से हम उसको भी स्टिच कर देंगे। ये देखिए, हमने दोनों डिज़ाइन को इस तरह से अपने नेक के सेंटर पार्ट तक स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से आपको इसको इस तरह से इसके ऊपर घुमाना है। ये देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों को इस तरह से आपको इसके ऊपर घुमाते जाना है, और कुछ इस तरह से आपका ये डिज़ाइन आएगा। आपको हर बार इसी तरह से घुमाते जाना है इसे। ये देखिए, एक बार आपको येलो वाली पट्टी इसके ऊपर करनी है, देन आपको दूसरी वाली पट्टी इस तरह से इसके ऊपर करनी है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बनता हुआ आ जाएगा। और ये यहाँ, अब यहाँ पर हम बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, और ये जो सिलाई लगाएंगे बिल्कुल हमारे जो कमीज का सेंटर है हमें वहाँ ये सिलाई लगानी है। तो एक बार फिर से आप इसको इस तरह से डार्क कर लीजिए, जिससे कि आपका जो कमीज का सेंटर रहे उसी पर आपकी सिलाई चले। सो अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे।
अब सिंपली इस तरह से हम नीचे की स्ट्रेट लाइन देखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा आखिरी निशान है। तो इस तरह से जो भी आपका कपड़ा नीचे की साइड है उसको इस तरह से कट कर दीजिए। यहाँ पर हमें इस तरह से इसको कट कर देना है और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। और जो आपका ऊपर वाला है उसको इस तरह से एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से कटिंग कीजिए का, और उसके बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा अंदर करते हुए इस तरह से ये देखिए यहाँ पर आपको एक तिकोनी शेप बनानी है। जो आपकी शेप इस तरह से आ रही है वही शेप आपको बनानी है। ये देखिए इस तरह से आपकी ये शेप बन जाएगी और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा और ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। बट यहाँ से जो आपके इस तरह से ये जो कोने उठ गए हैं आप सेम कलर का धागा ले लीजिए और उसको आपको देखिए इस तरह से सिंपली यहाँ पर एक टाका आपको लगाना है जिससे कि आपका ये जो भी इस तरह से उठ रहा है वो अच्छे से नीचे की तरफ बैठ जाए। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने अपने नेक पर डिजाइन बना लिया है और ये काफी इजी तरीके से हमने बनाया है। सो आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। अगर आप घर में सिलाई करते हैं तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन भी आएगा, आप उसको भी जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।